इंशाल्लाह। अच्छा तो आप कमर्शियल मतलब पीआईए वाली फ्लाइंग कर लेंगी कमर्शियल प्लेन्स? अच्छा उसका कुछ वक्त होता है मेरा ख्याल है। नहीं नहीं बेसिकली होता है कि जिस तरह से अभी मैंने 200 आवर्स फ्लाई किए हैं, ठीक है, एग्जाम्स दिए, लाइसेंस है। इसके बाद होगा ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एयरबस के लिए सिलेक्ट होती हूँ या बोइंग के लिए 737 जिसके लिए भी होती हूँ, उसके लिए पहले दोबारा से ग्राउंड क्लासेस होंगी, ठीक है। ग्राउंड क्लासेस के लाइक मैं एग्जाम या टेस्ट क्लियर करूंगी, फिर उसके बाद हमारा सिम होगा, ठीक है, सिम के चेक्स क्लियर करूंगी, सिमुलेटर जो जी होता है। उसके बाद फिर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जो आप जो है फ्लाई करते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, वो आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आप फिर एज फर्स्ट ऑफिसर जो है वो ज्वाइन करते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। लाइक अभी भी अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो आई विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर और उसके बाद मैं अप हूँ। चलो एक साल तो गए ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई मैं कॉल करके बता दीजिएगा जब भी आप फ्लाइंग कर रही हो। हाँ। हम लोग कोई और फ्लाइट लेंगे। आपने देखा होगा, अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, जिस तरह से आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो उनके पास भी जो है ब्रेक और क्लच होता है, ठीक है। तो होता है ये कि टेक ऑफ वगैरह सब कुछ इंस्ट्रक्टर जो बैठा होता है, क्योंकि आपको आधे घंटे पे ब्रीफ करके आप कैसे मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे, वो आपको स्ट्रेटन लेवल करके ट्रिम करके जहाज दे देता है। उसके बाद वो सिर्फ आपको कंट्रोल आपके मतलब देता है कि यार आप रोल कर लें जहाज को, थोड़ा सा पिच अप पिच डाउन कर लें। जिनको शौक है सारे कंट्रोल्स उन्हीं के पास होते हैं। I was willing to go for that. मेरे घर वाले के नहीं भाई हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे, मैं कह नहीं नहीं I'll try that. अच्छा मैं आप लोगों को एक लेजेंड बता रहा हूँ, I don't know whether it's true or not, लेकिन एक बहुत बड़ा लेजेंड था जो एयर मार्शल नूर खान से मुंसलिक है, वो बहुत बड़ा लेजेंड है। और वो ये है कि जब पाकिस्तान ने F-16 लिए थे तो उन्होंने सिर्फ मैनुअल पढ़ के उसको उड़ाया, सिर्फ मैनुअल पढ़ के। He flew the, तो I don't know if that's true or not. मुझे ये नहीं पता, but a legend is grown like. उससे पहले वो मशाक और सारी चीजें फ्लाई करते रहेंगे, और ये हो ही नहीं सकता मैनुअल पढ़ के, ऑफिसर इन कमांड फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स, तो उनकी कैपेबिलिटीज बिल्कुल दूसरी हैं। एंड पाकिस्तान एयरफोर्स इज द नंबर वन एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, तो उसका चीफ क्या होगा? Exactly. तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये वो बता रहा हूँ मैं आप, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि लेकिन मुझे इस बात का तो मुझे पक्की उम्मीद है हमारी जो यंगर जनरेशन कुछ नहीं पता उसको आगे पीछे का। हाँ। कुछ नहीं पता मतलब देयर इज चिल लोग हैं बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जिस तरह से हम एग्जाम्स दे रहे हैं ना, तो अब बहुत सख्ती, और एक तो UKCA के अंडर हो रहे हैं, अब सबको लाइसेंस नहीं मिल रहे। इवन बहुत सारे वो लोग जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं पायलट, ये वो, उन बेचारों ने सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स तो फ्लाई कर लिए हैं बट दे डोंट हैव लाइसेंस। तो वो मतलब कभी भी आपको एयरलाइन में अप्लाई करते हुए नज़र नहीं आएंगे, या वो कभी भी आपको अपना लाइसेंस नहीं दिखा सकते। सो इट्स अ गुड थिंग इन अ वे कि अब जो एक पहले कॉन्सेप्ट था ना कि किसी के पास भी पैसा होगा तो पायलट बन जाएगा, वो नहीं है। जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, लेकिन तो आप जो है पैसा भी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वो जो पर आवर फ्लाइट है जिसको आप आवर पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले फ्लाइट कितने पर आवर पूछ लेते हैं ना, कितने एक आवर टोटल फ्लाइंग की अगर आप मेरी बात करें तो लाइक 1.5 करोड़ तक आपका लग जाता है। जी आई एम सॉरी, कितना? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मुंह से नहीं निकल रहा हमारे। 1.5 करोड़ मैं दो दुकानें खोलूंगा 1.5 करोड़। वो 75-75 लाख की कितने अभी 45,000 हो गया है ना, मतलब आपके पास 45,000 कह रहे हैं ना। हाँ, एक घंटे 45,000 आए आप कल 1 घंटा पकड़े फ्लाइट। हाँ, ये 45,000 रुपए की। बट दैट्स अगेन फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक 200 आवर्स भाई पूरे करने होते हैं जी, इस तरह 200 आवर्स पूरे करने होते हैं। मैं ना हाईवे पे ढाबा खोलूंगा। हाँ, और रेंट दूंगा तकरीबन 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का रेंट दे दूंगा ठीक है, और इंशाल्लाह उसके अंदर करोड़ शोड़ की हम वो करते हैं। हाँ। लगाते हैं 1.5 करोड़ में खुल के बनाएंगे एक रेस्टोरेंट। हाँ। जिससे हमको डेली की इनकम होगी कम से कम 3-4 लाख। 4-6 लोग फ्लाइट उड़ा रहे होंगे। हाँ। नहीं ज्यादा होंगे। और ऑब्वियसली जैसे अगर आप कह रही हैं वन डे पायलट तो शायद 50,000 होगा, ये वो डिफरेंट अमाउंट होगी। नहीं, वन डे पायलट इतना महंगा नहीं होता, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आपको बिठाते हैं साथ 13,000 रुपए की फ्लाइट होती है, बट वो आपको स्टूडेंट पायलट की जगह पे बिठाते हैं। नहीं नहीं, आपको जहाज दे के बोलते हैं बोलो तुम उड़ाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होता है, आपने देखा नहीं? नॉट दैट एक्सपेंसिव।
आपको 13,000 रुपए देते हैं ना, जो लाइक आप बैक सीट पे बैठते हैं उस, आप कहीं भी नहीं बैठते, आपको कागज का जहाज देते हैं, बोले उड़ाते रहो। 13,000 क्यों ले रहे हैं? अरे मजाक कर रहे हैं, माफ कर दीजिए हमको, प्लीज खुदा का वास्ता। हाँ, लेकिन मजाक कर रहे हैं। अब नींद में ऐसे मजाक करेंगे तो पूछोगे तो सही ना, इनको बुलाते क्यों, नींद के अंदर है ये। सुबह आप लोग क्या 5 बजे उठते हो शाम को? गुड मॉर्निंग साहेब, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। 6 बजे होती है सुबह, और 6 o'clock यू गेट अप, बल्कि फ्लाइट की तो मेरे ख्याल सुबह ही होती है, है ना, सुबह साफ होता है ना। अच्छा, आपकी अगर सुबह की फ्लाइट हो तो क्या आप लेंगे नहीं क्या फ्लाइट? नहीं नहीं बिल्कुल, बट उसके लिए हम लोग जो है मुसाफिरों से कहो, हमें तो आदत है वेट करने की। बट ये रात में जल्दी, जैसे आजकल मतलब अभी मैं फ्लाई नहीं कर रही हूँ, आई एम शूटिंग, तो वो ये है कि लेट नाइट शूट होता था, लाइक ओके आई एम विलिंग टू गो, बट जिस तरह से व्हाट इज लेट नाइट, व्हाट इज, जस्ट आस्किंग, व्हाट इज लेट नाइट टू यू? मुझे लगता है कि लाइक अगर जिस तरह से कल इवेंट था और मेरी ही रील वेडिंग थी, तो अगर वो 1 बजे तक खत्म हो रहा है तो घर आते आते ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है, फ्रेश होते हैं, कभी कभी इवेंट होता है ना उसमें लेट नाइट। अब जिस तरह से फ्लाइंग होती है, जैसे आई वॉज द वन के जो कहता था मुझे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइंग करनी है, क्योंकि रोड्स खाली हैं, आराम से फ्लाइंग स्कूल जाते हैं, फ्लाइंग करते हैं। अच्छा, ऊपर का रोड खाली है? मैं कह रही हूँ कि रोड खाली होते हैं, आप आराम से फ्लाइंग स्कूल जाते हैं। अच्छा, फ्लाइंग तक, ठीक है ठीक है। एंड देन यू नो आप फ्लाइंग के लिए जाते हैं, तो पहले वो ये करते थे यार रोज इसकी क्यों अर्ली मॉर्निंग फ्लाइंग होती है, बाकी स्टूडेंट्स ने मतलब किया, कोई टाइम पे आता ही नहीं था, मैं वहाँ बैठी होती, फिर वो कहते यार नहीं ठीक है, ये बंदी टाइम पे आती है, पंचुअल है, कोई मसला नहीं। अच्छा, जो जहाज उड़ा हेलीकॉप्टर भी उड़ा लेती है? नहीं। अच्छा, उसका CPLH होता है। अच्छा, तो दोनों थोड़ा सा मैनुअल पढ़ के उड़ा लेंगी, तो जहाज उड़ा देती तो हेलीकॉप्टर भी उड़ जाएगा। मैं आपको बताऊँ, जो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ है वो ज्यादा टेक्निकल और डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली, जो उसका टेक ऑफ है, बिकॉज हमारा जो है मतलब हमारा सर्टेन एंगल ऑफ अटैक होता है, ठीक है, लाइक हम जब टेक ऑफ करते हैं तो एंगल ऑफ अटैक आप ही, एग्जैक्टली, और जो हेलीकॉप्टर है वो यूं टेक ऑफ करता है, वर्टिकल। हम लोग अक्सर देख रहे होते थे लाइक वहाँ पर एयरफोर्स का जब हेली, तो मैं अपने इंस्ट्रक्टर को ये कह रही थी, होती थी कि सर ये बहुत अच्छा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ये कोई क्लास नहीं हो रहा, क्लास में तुम भी लगे उधर ही।